फिर आ गए इतना सारा सामान लेके। फिर यहाँ से जुड़ा होगा कुछ, पहले अम्मा वैसे सी भी बनक रही काके में बाकू बालू साई वाली साई सी पहले काका बनक रहे, पहले चीज में बनक रही ना मिठाई ज्यादा बनक रहे, तब वहाँ से आई हुई पैक होके जब तुम आई काका आया जब पैक होके हमारे बर्फी चल तरह के बेसन के लड्डू और तरह की पांच तरह की मिठाई सब तरह की चावल वावल के संग है। चावल ना है और कल चावल ना चलक रहे तुम बता तो रही अभी सूखी चावल वैसे ही आ रहे हैं सूखे। सूखे ही कह रही हूँ मैं भी सूखे चावल का कट्टा है ना चावल में लिया हुए और फिर मीठो मीठो अलग रहे वो है ना मीठो तो अलग बांध है जैसे डलिया हुए हाँ जैसे पहले आवे मतलब जैसे अब करें मीठो बांधे अच्छा। फिर जब तुम दोबारा ही फिर रोटी बोटी बनाने लग गई बनाए हैं जब अच्छा और ब्याह कुछ करवा नहीं रोटी तो नहीं अच्छी दूसरे दिन जब तुम ब्याह ले आई दूसरे दिन बनवा ली रोटी दाल बना ले दाल मीठी चीज हुई ना दाल अच्छी है उड़द की दाल बना ले दाल अच्छी है अदरक दे दी अदरक काट के मैं नौ में गिर दें फिर दाल छौका लगाए हींग और घी हरी मिर्च काट के गिर दी और दाल बढ़िया बना दी है दाल में अलग रूप बनाई पतीली में कढ़ाई में छौक लगा दियो दाल वाल मिर्च गिर के जीरो की प्रैक्टिस पहले ही मारवा दी होगी ना बीवी तेरी शादी होने वाली है तो दाल वाल में छौका मौका लगा गरम मसालो सीख ले गरम मसालो पीस कर नहीं अम्मा कह दी होगी ना तो हमारी शादी होने वाली है तू बनानी सीख ले बीवी सब चीज हमारी चाची है जैसे वो बना में ऐसे बनाती रहे मैं तुम हम ऐसा ना डोले है जैसे कहीं चले गए पढ़ने को काम हो ही ना अपना घर को काम ना घर को काम करो और अपने घर आराम और अपने घर आ जाओ फिर ना मक्खी बड़ी घूम रही है मार तो चाहती हूँ हमारी बीवी ने नुस्खा हमारी चाची नुस्खा अच्छे ये दूध घी ना हमें कम इसलिए हम खाने मारे फिर तुम्हारी शादी हो गई फिर शादी के बाद कई साल बाद बच्चे हुए तुम्हारे 8 साल पीछे हुई है 9वीं साल नौवीं साल में बच्चे हुए ताने कैसे देख रहे हैं मतलब पड़ोस की सास वास कैसे देख रही तुम्हें ताने बिल्ली के बच्चा खिला रहे कुत्तियाँ के खिला दे हैं कुत्तियाँ बिल्ली के बच्चे खिलाओगे तुम तुम्हारे ना हो बच्चे यूँ कह दी है हाँ तुम तो ही जड़ाओ यूँ कह दी कि तुम्हारे बच्चे ना हो मैं तुम कुत्तियाँ और बिल्ली के बच्चे खिलाओगे हाँ तुम तो ही जड़ाओ आओ फिर हमने बहुत दुख सुने और रहे कष्ट करे और काम करे फिर खेती बाड़ी को काम करे खूब खेती बाड़ी को सब काम करे हमने कोई काम ना छोड़ो यहाँ पे फिर सब काम करे हमने हमारे बल्लो ने खेत ना देखे हमने सब खेत देख लिए अम्मा की जेठानी ने ना देखे पर अम्मा ने देख ली क्योंकि इनके बच्चे ना आए हैं इसलिए तो क्या के बच्चे तो हो रहे ना तो खेतन पे ही काम करवाए जाओ यार छोड़ेंगे छोड़ेंगे अब क्या चली जाओगे मतलब बुला के अपने गांव चली जाओ अब क्या तो बुला के मत लइयो हमारे देवर की आई सगाई तो खबर भेज दी वहाँ सियाने से कहा आ जाओ लेकर प्रधान जी हमारे चाचा प्रधान जी लेकर आ जाओ चिक्का आ रहा हूँ कभी अच्छी है तो चाचा ने कही जा कही इतवार का दिन सोमवार को आ रहा हूँ चाचा यहाँ खाने मिल गए चाचा तुम गांव में ही चले गए अपने हैं किसी को पता नहीं वाकर दो तीन महीने पेट में कभी पेट में बच्चा उन्हें किसी पता नहीं तुम अपने गांव में ही अच्छा तुम्हारे देवर की शादी हुई जब बुलाया हो तुम्हें शादी का ही सिक्का ही सिक्का पे ही अच्छा सिक्का शादी से पहले सिक्का मैं आ गया ना तो उनको अरे कहिए ये आवे आवा आ जाओगी ना तो ना सही कहीं ना कहीं हमारे सास ने अरे भैया बड़ी खुशी की बात है अरे बुला ले तू बुला ले बाकू अब तो खुशी है कुछ हमारी बहन राजन बीरवती की बहन उनने कह रही आकर अच्छी है फिर बुला लाए तुम्हें तो कह के चला आए राम तलक ना गए के हाँ जाएंगे हाँ दिवाली प्रधान जी अच्छी चंद्रवती
चंद्रवती को लेवा लियो अम्मा को नाम लेके। हाँ फिर तुम चली आ गई तो ताऊ हमारे नौका में अरे कपड़ा फैलना और चार पे एक गाड़ी खड़ी दरवाजे पर। मैंने कह दिया मैं ना जाऊँ पर मेरे तो कोई आदर ना है वहाँ तो मैं कहने लायक भी नहीं अपना टाइम पास करेगी भाई सही बात में जंगल में गाँव में वो अपने गांव में किसी से कुछ के बोल तो सके ना। हाँ यहाँ पे कहा कहती मैं कुछ भी कहती। हाँ पर मैंने फूफे सास तो कह दी मैं इनकी जमीन एक भैंस मुझे कुना चाहिए घर मकान मुझे तो ढूंढ मार घर दे दीजिए मैं अपनी जिंदगी पूरी कराऊँ। तुम कहीं ज़्यादा बोला है लोंडिया वो थोड़ी सी बोल दी है ना थोड़ी सा भी तो समझे ज़्यादा बोला है ये सास ने कह दी हमारी। तो बीवी जब सुनकर तो भागी चली आई भैया बड़ी खुशी की बात है और तो दो खुशी मिल गई। हाँ वो तो सिक्का आ रहा है के सिक्का भी आ रहा है लौंडा को और बाकी बच्चे भी हैं बड़ी वाली के बच्चे भी हैं छोटे को सिक्का आ रहा है। हाँ भैया बच्चा भी हो गए वही। हाँ फिर तो फिर तुम वहाँ पे आ गए फिर तो यहीं रही होंगी सिक्का में आके अपने देवर में। हाँ फिर कब गई बच्चा होने के बाद फिर कहीं ना जान रही और जब मेरे यू नरेंद्र पैदा हो गए हो ना तो बुढ़िया को लेना गए और बुढ़िया को धर्मवीर गए लेना तुम्हारी अम्मा तुम्हारी सास फुफिया सास को लेने गए। अच्छी अच्छी धर्मवीर। हाँ यहाँ तो छोटा सा तो है धर्मवीर जन कोई जन कमर कोई सो गए हो गए ना जन तेरे बाबा गए यहाँ तो बीड़ी आ गई साइकिल में किसकी इनकी फुफिया सास की हमारी। अच्छा साइकिल पर लेकर आए हैं। हाँ एड़ी आ गई एड़ी कट गई बुढ़िया की। मैंने कही अरी अरे ना बुलो कया हो अच्छा तुम सो कह रही है फुफिया साहब कि तेने मुख बुरा कहो हमारे मेरी एड़ी कट गई है। हाँ मेरी एड़ी कट गई साइकिल के टायर में आ गई। हाँ साइकिल में तान होते हैं चलती रहे तो उसमें आ गई। फिर तुमने कहा कही मैं कह दी थी तुम्हें भाई तुम पे ठीक में बैठना है दिल सही है ना। फिर हो गई एक लड़का फिर एक लड़का हो गए हैं फिर दावत करी होगी फिर तुम्हें ओ पूरे दिन भर गाना बजाना ही जड़ा पूरे दिन भर रहे। अच्छी है जब पैदा और गाँव घेर भर रो दावत खाने में पूरे गांव की दावत सुबह से शाम खाई होगी सब में सुबह से शाम बस प्रधान जी के घर दावत में लगे रहो। बीबी का पैसा नाम है। हाँ पब्लिक भी बहुत कम है अब कहाँ हमारे गांव की आबादी और पहले कितनी ना। हाँ। बहुत फर्क है अब में और पहले में। बीवी हिजड़ा तो करे हम जान गई ना आज एक जोड़ी तो धोती और थाल में जैसे आटा चीनी सब चीज चावल वावल करे थाल ना देना। अच्छी थाले भी ले गए चल ले जाओ उनकी ले जाओ तुम्हारी मन अब विकास के होने में थाल ले गए ये बीज ना ले गए मेरे भाई हुआ उसके होने में भी ले गई थाल बीज ना ले जाओ चलो खुशी तो हो गए। मैंने तो कही मैंने बहुत इतनी खुशी जब इतनी तो ले जाओ और उन भाई उनको भी वो ही टाइम है मांगने को जब कोई लड़का वड़का होगा तो वो हिजड़ा भी लोग जब ही आमे हैं वो कहाँ आमे वरना मैंने तो बस तेरी खुशी मनाई जब अमर लड़की के होने में ना आते ना लड़का के होने में आमे लड़का के होने में हिजड़ा तो आते खुशी सु शादी में लड़के की में नाई नाई नहीं अब भंगन को साड़ी ना दई बस मैं पे। अच्छा मैंने साड़ी दई सिब्बू की माँ को भी और भंगन को भी सीधा को। फिर उसके बाद कई साल बाद मेरी बुआ जी पैदा हुई 3 साल बाद बुआ पैदा हो गई मेरी हनता जीजी बुआ जी को मैं जीजी बोलती हूँ। और फिर चाचा जी कितने दिन बाद पैदा हुए चाचा तो बहुत दिनों पर चले। अच्छे इतने साल बाद फिर भी अंदाजो लगाओ मतलब एक लड़की और हुई बुआ। हाँ खत्म हो गई है। हाँ बात सु पीछे फिर एक और लड़का हुई हो फिर भी खत्म हो गए खत्म हो गए सच्चाई घर रह गई वाकई। अच्छी जैसे हमारे विकास छोटे को और जब भी पैदा हुए अरिंदर तो मैंने फिर सब्जियाँ धरवाई उनकी मिट्टी हैं तो उठाऊंगी नहीं पर कल को मेरे बालकन के ब्याह होंगे बेटा के
जब तलक में तेज रंग उठाऊ मैं सोची तो जब फिर मैंने धोती पही तनु कह गई जो सिब्बू कुमा नोक मुँह को तो इन्ना ही धोती नहीं है पहले वे अच्छी है चलो चाना से धोती मैंने भंगन भी अर होगी दोनों को मैंने धोती नहीं और अपनी नंदन को सब अभी जो है ना सुनीता अमर टोटल कितने बच्चे हो गए तुम्हारे सगरे मिला के जिंदे मरे तीन हैं दो लड़के हैं अम्मा जी के एक लड़की हैं तीन बच्चे हैं उनके तीनों के भी बच्चे हैं बुआ जी के पास तीन बच्चे हैं दो लड़की और एक लड़का है और अम्मा के बड़े वाले जो बेटे हैं उनके पास भी दो लड़की और एक लड़का है तीन बच्चे हैं और जो छोटे वाले बेटे हैं उनके पास दो लड़के हैं सिर्फ उनके पास दो बच्चे हैं तुम्हारे कितने हुए छः सात छः सात बच्चे मतलब हुए थे और तीन बच्चे जिंदे थे मतलब मर गए किसी के सतिया रखे तो मर गए यही तो बड़ी दिक्कत लाइफ की और फिर उसके बाद जिंदगी बढ़ गई आगे ज़्यादा जिंदगी बढ़ गई लेकिन हमारी बुढ़िया उनका दिमाग चल कर रहे हैं हमारी परदादी अम्मा की सास का दिमाग चल गया फिर है ना जब हमारे जो मतलब छोटे ही तुम्हारे बच्चे बड़े हैं जब छोटे जब दिमाग चल गो अच्छा फिर हमारी अम्मा हमारी अम्मा जी की जो सास है उनका दिमाग चल गया तो पीछे हुई हो मर गई मर गई जब अच्छा जैसे कह गई वो कह गई बच्चा होगा ना पास ले फिर नवा ले गई तो सही है तो ना हमारे वाला फिर भूपिया सास भी गई नवाने कुछ भात ले खाई मेरे भैया नवान चढ़ा मैं हमारे वहाँ तो चढ़ा मैं ना गंगा जी तो भात जा अब मैंने तो ना भेली ना थी ना भात मंगाया अच्छा। और उन्होंने यहाँ से भूज लही तो बीवी फिर भात ले खाई हुई सिद्ध अब उसके बाद अम्मा जब मतलब कि बाबा जो है हमारे वे तुम्हारी बात माने करे या ना माने करे या अपनी मनमानी करे करे ये बता मनमानी करे अपनी मनमानी माना किसी की ना अब जिंदगी में थोड़े आगे बढ़ गए यानी कि सब बच्चे बड़े हो गए तो हमारे जो बाबा जी थे दादाजी या बाबा बोलो तो वो मतलब अगर उन्हें कहीं पर जाना है तो जाना है मिठाई खानी है तो खानी है ही मिठाई तो मुझे ही बहुत पसंद है घर की बनी हुई हो या हलवाई की हो तो मिठाई तो मुझे ही बहुत पसंद है और दादाजी भी बहुत मिठाई खाते थे पहले और एक भिंडी भिंडी भी जरूर पीनी और मिठाई इनका दे हम ना खाई बाबा तुम मिठाई ना लाए मिठाई ना लाए मेरे केक भी लेकर आए जाड़ों में तो गज्जक वज्जक लेकर आए करे तिल की ना तिलकी गज्जक और जैसे कि कोई काम हुआ स्टार्ट है ना जैसे घर बनना स्टार्ट हुआ या कोई भी नया काम स्टार्ट हुआ तो तब मिठाई लेके आनी ना और बाबा जी की बातें बताओ कुछ पुरानी बाबा जी का बात बताओ कि मम्मी का ब्याह हुआ और आने जाने जैसे आ गए गज्जक डिब्बा भर कर